एवरीवन हाउ आर यू। मैं आपको आगे दिख रही हूँ, मैंने फ्रंट कैमरा नहीं मतलब सामने वाला कैमरा यूज़ किया, छोड़िए ये सब। और अभी मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने वहाँ पे एक वीडियो दिया था यूट्यूब में कि मतलब फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ सकती है, मैंने यही कहा था, इसीलिए मुझे अब ज़रूरत पड़ी है। यस गाइस, तो अभी मुझे लग रहा है कि मैंने जिस रीज़न की वजह से बंद किया था तो वो रीज़न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरी लाइफ में कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को बंद कर दूं। फिलहाल आप सब लोग सोच रहे हैं मैं ये क्या खींच रही हूँ, ये बैम्बू लीव्स हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि कीटू ये खाता है, तो कीटू के लिए थोड़े से ले, मम्मी का काम था यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर बैम्बू लीव्स हैं, तो मम्मी ने कहा कि इसे निकालती रहे, मैं अपने काम ख़त्म कर खाती हूँ, तो ये मम्मी का ऑफिस है यहाँ पर, तो इसलिए अब मुझे थोड़ा सा आज घुमाने लाई है। यस निकल गया, मैं ऊपर जाने से मना किया मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पे फ़ोन देखना था बैठ के। सो गाइस, अभी मैं व्लॉग को फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगी, अभी यहाँ से निकलेंगे, मम्मी जी जल्दी आ जाएंगी अभी, वो लो आ गई। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को यहाँ से। व्लॉग तो सिंपली है ये, मैं आपको बता देती हूँ, ये शाम से लेके पूरा कल सुबह तक मैंने ये व्लॉग बनाया है, और मुझे लगता है कि जो रीज़न मैंने बताया था और जिसके लिए मैं रोई थी, वो रीज़न मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि यूट्यूब चैनल को मैं बंद कर दूं, तो इसलिए ये बैम्बू लीव्स मैंने निकाली। चलिए चलते हैं अब गाइस, ये चलिए चलते हैं अब। ओह माय गॉड, थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है यहाँ पर, कुछ हिस्सा लग गया, ये पैलेस लाइन है बलांगीर में, बड़ा सा टावर है, आईफिल टावर नहीं है। वेट मुझे जाने दो। जा रहे हैं तो ये रास्ता, मतलब शाम हो रही है ना, कितने बजे, 17:39, as you can see बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, शायद सब अपनी अपनी धुन में, बहुत ठंड लग रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इसलिए ये बेकरी जोन है। चलिए आगे चलते हैं, ये तो हमारा पुराना घर का रास्ता है ये वाला, अंदर से आसमान कितना अच्छा लग रहा है, वाह बहुत आवाज़ आ रही है। तो गाइस चलते हैं अभी घर, बात करते हो आपके साथ बाद में, चलिए घर चलते हैं। अरे बाप रे, ये गाय सब बाहर की खड़ी हो जाती है, पता नहीं ये रास्ता थोड़ा अजीब लग रहा है, ये एयरटेल ऑफिस है क्या? अरे रुक जाइए, बाद में क्या बात करेंगे, अभी तो हम घर के रास्ते में ही है, घर पहुंच जाएंगे अभी, का रास्ता आ गया है, ताला थोड़ा खोल लेती हूँ अभी। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे, क्योंकि अभी ताला खोलूंगी ना तो कैमरा ऑन नहीं रख सकती, एक हाथ में तो नहीं खुलेगा ना, इसलिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं गाइस। फाइनली अभी मैं घर पे हूँ, अभी कितना टाइम हो रहा है, 21:12 हो रहा है, यानी कि 9:12, आपको कुछ और भी सुनाई दे रहा होगा, वहाँ पर मूवी लगाया है मम्मी ने,
मम्मी अभी बैठ के देख रही हैं और अभी मैं यहाँ पे सोई हुई हूँ। मुझे लगा कि मुझे अपना ब्लॉग थोड़ा एडिट कर लेना चाहिए, पर पहले ब्लॉग को बनाने तो दो, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। कुछ ऐसा लुक है बेडरूम का भी, मतलब कचड़ा ही कचड़ा। ये देखो किटू यहाँ पे घूम रहा था, अभी चलिए उसी तरह से देख लेते हैं। ये रहा ये रहा, अच्छा अच्छा इधर आ इधर आ, ओके इधर आ। चल हेलो बोल सबको, हेलो बोल रहे, हेलो बोल रहे, भाग गया। अरे कहाँ गया वो, अरे वो रहा, चलो उसे खेलने देते हैं। आज चलते हैं थोड़ा सा देखने, गंगा जल मूवी चल रहा है। और यहाँ पे और एक सो रहा है, इसका हेल्थ थोड़ा सा बीच में ठीक नहीं था, खाना पीना नहीं कर रहा था 3 दिन पूरा, और अभी मम्मी ने खाना दिया फिर भी वो खा नहीं रहा है, बस सो ही रहा है। बाहर थोड़ा घूम तो रहा है पर फिर भी उसका हेल्थ थोड़ा सा ठीक नहीं था। बहुत ज़ोर से साउंड लगाया ना मम्मी ने, बाहर थोड़ा देखे है क्या, आई मीन स्लीपर्स भी नहीं पहने। हाँ चलो छोड़ने दो, मैं बाद में धो लूँगी पैर, क्योंकि मैं स्लीपर्स के बगैर नहीं जाती बाहर। मतलब घर में भी स्लीपर्स के बगैर नहीं चलती क्योंकि पैर गंदे हो जाते हैं, इसलिए बस। ये क्यों बार बार ब्लर हो जाता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे पूरा कुछ अजीब सा लग रहा है, अंधेरा हो गया पूरा। तो इन्होंने भी अपना ये बंद कर दिया क्या, ओ लाइट इनका भी ऑफ है, और आगे नहीं जा सकती मैं। एंड बाहर का लुक कुछ ऐसा है, चलिए यहाँ के लाइट को ऑन करते हैं। ओके मेरा हाथ, फ़ोन को पकड़ते पकड़ते मेरे हाथ को चोट लगी थोड़ा सा, वो फ़ोन के पॉइंट मतलब यहाँ पे कवर में थोड़ा सा मतलब पॉइंटेड है कुछ ना, तो यहाँ पे हाथ पर ऐसे हो गया मेरा। ये देखो लाइट, हेलो बोल रहा है आपको लाइट में, मतलब लाइट जलाते हुए भी। मैं आपको लाइट क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि लाइट जलाते हुए यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा अभी भी नज़र आ रहा है। वहाँ पे तो लाइट मतलब लगाया नहीं गया है, यहाँ पे लगाया गया है इसलिए थोड़ा बहुत दिख ही रहा है। और यहाँ का लाइट अभी तक ऑफ़ नहीं किया गया है, शायद ऑफ़ करेंगे या फिर क्या नहीं पता नहीं। हमारा तो और नीचे काम नहीं है तो हमें ऑफ़ करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा, चैनल क्यों मैं बंद करूँगी बोल रही थी बोल के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रीज़न था उसके पीछे, और यहाँ पे अभी तक कोई भी रेंट नहीं लगा है, तो ये ऐसे ताला में मतलब कोई आएगा तो कोई तो आएंगे नहीं, पर ये घर आज ताला नहीं मिला है, मतलब ताला यहाँ पे मार देते हैं। वहाँ पे एक डोर दिया गया है ताकि वो नीचे वाला हिटलर ओपन आ जाए, आपको उनके बारे में बाद में पता चलेगा, नीचे वाला हिटलर मतलब हिटलर के बारे में बाहर ही लेके बात करते हैं, क्योंकि मम्मी ने बहुत कुछ चला रखा है। मुझे क्यों ऐसा हंसी क्यों आ रही है पता नहीं, मतलब अभी मैं मेमे दिख रही थी फ़ोन पे तो मुझे हंसी आ रही है। मेरा फ़ोन देखते देखते पूरा बैटरी लो के स्विच ऑफ हो गया है, और अभी मुझे वो सब चीज़ों को बार बार याद करके हंसी हंसी आ रही है। सो, चैनल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि चैनल मैं बंद करूँगी क्यों बोल रही थी आप सबको, क्यों बंद किया था मैंने, पर मुझे लगा कि जो रीज़न के लिए मैंने जो चैनल को बंद किया था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरी लाइफ में कि वो मेरे चैनल को बंद करवा सके। और स्टडी प्रेशर की बात करें तो स्टडी प्रेशर होते हुए भी मैं चैनल को मैनेज कर सकती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा, तो इसीलिए मैंने फिर से चैनल को रिन्यू किया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम चैनल में एक अच्छी सी चीज़ लाएंगे। सो, कई लोगों को नहीं पता होगा कि रेक्सस्टार का मतलब क्या होता है, मैंने कभी इसे रिवील नहीं किया, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रेक्सस्टार मतलब ऐसा एक स्टार है कि मतलब सब कुछ सब रिकॉर्ड तोड़ दे और आगे बढ़ जाए, कुछ ऐसा टाइप का मैंने ये दिया है। कुछ ऐसा टाइप का नहीं, उसका मीनिंग ही यही है, पर रेक का मतलब होता है तोड़ना या डिस्ट्रॉय समथिंग, और स्टार का मतलब तो आप सब लोगों को पता ही है, तो एक ऐसा स्टार है, तो मतलब कुछ इस टाइप का मैंने अपने चैनल का नाम रखा था, पर मुझे अब ये बिल्कुल भी ठीक सा नहीं लग रहा है। तो हम चैनल कर रहे हैं, आई एम सॉरी,
तो हम चेंज कर रहे हैं इसका नाम, तो रेक्सटार से होने वाला है ये मेरे नाम से, दिदाशा दास। तो एम क्या बोलूँ, चलिए इस नाम को हम फिर से स्टार्ट करते हैं और रिन्यू करते हैं अपने चैनल को। और आप सब लोगों को मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे व्लॉगिंग मतलब करूँ, जैसे भी हो के मुझे मैनेज करना पड़ेगा, वरना मुझे व्लॉग्स में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, पर मैं अपने फ़ोन में जैसे भी करके स्पेस डेफिनेटली मुझे खाली करना पड़ेगा अपने फ़ोन का स्पेस, ताकि मतलब एटलीस्ट कितना MB तो मुझे मतलब करना ही पड़ेगा उसका, कुछ डिलीट करना पड़ेगा, कितने सारे वीडियोस रह जाते हैं फ़ोन पे, तो वो सब ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद जाके कोई व्लॉग मैं शूट कर पाऊँगी फ़ोन पे, क्योंकि मम्मी का फ़ोन मेरे पास हमेशा रहता नहीं है। और हिटलर भौंक रहा है नीचे से, कैसे भौंक रहा है, कोई चोर तो नहीं आया, मुझे दिख नहीं रहा है। तो गाइस, मुझे तो लगता नहीं है कि मेरे फ़ोन से मैं शूटिंग कभी कर पाऊँगी, ऐसा मतलब ऐसा लगता था मुझे कि, क्योंकि मेरे फ़ोन में जितना भी स्पेस है उसमें एक 45 सेकंड का वीडियो भी होता नहीं। और मेरे मम्मी के फ़ोन में मैं करना चाहती तो हूँ, मैं करती भी हूँ यहाँ पे व्लॉग्स, पर क्या करें, मम्मी का फ़ोन मुझे हर टाइम मिलता नहीं और एडिटिंग पे लेट हो जाता है, और मैं रिमाइंडर वीडियो दे चुकी होती हूँ तो टाइम पे नहीं पहुँच पाता, इसी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो गाइस, ज़्यादा टेंशन तो कुछ है नहीं, पर आप सब लोगों को वीडियोज़ बहुत जल्द मिलेंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने फ़ोन के स्पेस को खाली कर रही हूँ। सो डोंट माइंड, मेरे उस वीडियो को बिल्कुल भी माइंड मत कीजिए जो मैंने भेजा था, और उस वक्त मैं शायद अपने सेंस पे ही नहीं थी, क्योंकि मैं रो रही थी, और एक ऐसा रीज़न पूरा मतलब मुझे कंट्रोल में कर चुका था वो रीज़न, तो वो रीज़न तो मैं आपको नहीं बता सकती, पर उसे छोड़िए, अब हम चलते हैं अपने रिन्यू पे। तो चेंज करने वाले हैं, दिव्याशा दास करने वाले हैं, और ऑफकोर्स ये एक व्लॉग नहीं था मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगा था मैं व्लॉग बनाऊंगी, और मुझे लग रहा था कि मैं सुबह तक बनाऊंगी, पर नहीं, सुबह तक नहीं बना सकती, मुझे अभी पता चल रहा है, क्योंकि रियलाइज़ किया मैंने बाद में कि सुबह कैसे बनाऊंगी, मम्मी तो चली जाएंगी और फ़ोन का मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन लग सकते हैं या फिर 5 भी दिन लग सकते हैं उस स्पेस को खाली करने के लिए, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और 1 महीना जैसे मैंने अभी बताया, तो कम से कम 25 डेज़ हैं मेरे एग्ज़ाम्स को। सो गाइज़, आप सब लोगों को मैं पूरा मतलब प्रॉमिस तो छोड़िए, अच्छा छोड़िए ये सब, तो मैं आप सब लोगों को ये तो कह सकती हूँ कि आपको 1 वीक में कम से कम 2 व्लॉग्स तो मैं दूंगी ही, और 2 व्लॉग्स मैं जैसे भी करके देना ही है मुझे, तो और शॉर्ट्स और वीडियोस तो हमारे जाते ही रहते हैं, तो ज़्यादातर रिमाइंडर वीडियोस को आप माइंड मत कीजिएगा उतना, क्योंकि मैं बहुत सारे रिमाइंडर वीडियोस में जो भी बोलती हूँ मैं उसे पूरा क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि मम्मी का फ़ोन है, और आप सब लोग को रीज़न तो पता ही है कि मम्मी के फ़ोन से क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि मम्मी का फ़ोन मुझे मिलता नहीं, मम्मी का ऑफिस का काम होता है और हमेशा मुझे वो फ़ोन नहीं देती, और अभी भी ये जो है ये मम्मी के फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ, और मम्मी का भी धीरे धीरे स्पेस मतलब स्पेस कम होने लगा है फ़ोन पे, तो इसीलिए मुझे थोड़ा है। और एनीवेज गाइस, तो अभी के लिए बाय बाय, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है, एंड गुड नाइट, क्योंकि अभी आप सब लोग सो ही रहे होंगे, मतलब कौन सो रहा है कौन नहीं मुझे नहीं पता, पर आप सब लोगों को गुड नाइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट शॉर्ट्स पे, व्हाटएवर, तो तब तक के लिए बाय बाय।